हमारे समाज में शादी न केवल दो लोगों का बल्कि दो परिवारों का भी मिलन होता है, जिसके लिए ही हर माता पिता अपनी संतान के लिए लड़के लड़कियां चुनते हैं। हर माँ बाप की भूमिका शादी के हर जरूरी फैसले लेने में महत्वपूर्ण होती है। लेकिन अगर हम आपको बोलें कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां जब माँ बाप को अपनी बेटी के लिए कुंवारे लड़के नहीं मिलते तो मजबूरन उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ता है जिसे सुनने भर से ही आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, ब्राजील में एक ऐसा ही गांव है जहां 18 से 30 साल तक की लड़कियों की संख्या पुरुषों से बेहद ज्यादा है, जिसके चलते ही उन्हें जब बहुत ढूंढने के बाद भी शादी के लिए लड़के नहीं मिलते तो उनके माँ बापों को मजबूरन शादीशुदा मर्दों के साथ ही अपनी बेटियों की शादी करानी पड़ती है। यहाँ हर लड़की को अपनी शादी के लिए बहुत तरसना पड़ता है। इस गांव में पुरुषों की कमी का आलम यह है कि कई लड़कियों को कुंवारे लड़के नहीं मिलने की वजह से पूरी जिंदगी बिना शादी के भी रहना पड़ता है। इस गांव में लड़कों की संख्या लड़कियों के मुकाबले बेहद कम है। आंकड़ों की माने तो करीब 600 महिलाओं की आबादी वाली इस छोटी सी जगह पर करीब 300 से ज्यादा कुंवारी लड़कियों को अपनी शादी के लिए लड़के ही नहीं मिल पाते हैं, जिसके चलते या तो वो अभी तक कुंवारी हैं या तो उन्होंने शादीशुदा मर्द से ही शादी कर ली है। एक पहलू इस गांव का ये भी है कि यहाँ की लड़कियां चाहती हैं कि शादी के बाद लड़का उनके साथ इसी गांव में आकर रहे और उनके तमाम नियमों का पालन भी करे। यहाँ खेती किसानी इस गांव के पुरुष नहीं बल्कि स्वयं महिलाएं ही करती हैं, क्योंकि ज्यादातर महिलाओं के पति या बालिग बेटे गांव से दूर शहर में रहते हैं। आपको बताते चलें कि महिला बाहुल्य इस गांव की नींव मारिया सनोरिया डिल्मा ने सदियों पहले साल 1851 में उस वक्त रखी थी जब उन्हें घर से निकाल दिया गया था, जिसके बाद ही उन्होंने मजबूत महिला समुदाय वाले इस गांव को बसाया था और उन्हीं की वजह से यह गांव आज आबाद हुआ है। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल की रिपोर्ट। ओम